प्रेमियो जय सच्चिदानंद, कैसे हैं आप सब? हमें पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम सब पर हमारे गुरुदेव भगवान का हाथ है। श्री गुरु महाराज जी कहा करते थे कि जो अपने प्रीतम को, जो अपने मालिक को सच्चा प्रेम करते हैं, वो अपने प्रीतम से कभी अलग नहीं होते। एक बार श्री गुरु महाराज जी संध्या के समय सैर करने जा रहे थे। उनके साथ बहुत सारे संत थे, उनके बीच स्वामी परम जी भी थे। तो जब श्री गुरु महाराज जी रास्ते में चले जा रहे थे, तो एक जगह उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक मछली तालाब से अलग पड़ी हुई तड़प रही थी। गुरु महाराज जी रुके और स्वामी परम जी से कहने लगे, परम जी अब इसका क्या होगा, ये क्या कर रही है? स्वामी परम जी ने कहा, महाप्रभु ये अपने प्रीतम जल से अलग हो गई है, उससे बिछड़ गई है, इसलिए तड़प रही है। महाप्रभु जी ने कहा, अब इसका क्या होगा? स्वामी परम जी ने कहा, क्या होगा प्रभु, ये अलग क्या होगी, ये तो मर ही जाएगी। तो महाप्रभु जी ने कहा, स्वामी परम जी जो अपने प्रीतम से सच्चा प्रेम करते हैं, वो कभी अलग नहीं होते। ये मछली पानी के बिना तड़प तड़प कर जल की याद में, अपने प्रीतम की याद में मर जाएगी। फिर कोई किसान आएगा, इसे उठाकर अपने घर ले जाएगा और अपने घर ले जाकर खूब पानी में रगड़ रगड़ कर धोएगा। उसके बाद इसे काटेगा और काट काट कर ये पानी में ही उबालेगा, और जब वो बनकर तैयार हो जाएगी तो चावल के साथ मिलाकर बड़े आनंद से खाएगा। खाने के बाद जब उसके पेट में गर्मी बढ़ेगी तो फिर वो एक लोटा पानी पिएगा। देखा परम जी, वो अपने प्रीतम जल से अलग हुई थी, और जब तक उसका अस्तित्व रहा वो अपने प्रीतम से मिलती रही, उनसे अलग नहीं हुई। इसलिए जो सच्चे प्रेमी होते हैं, उन्हें दुनिया की चीजें तो क्या, मृत्यु भी नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं प्रेमी, हम अपने गुरुदेव भगवान को नित्य प्रति इसीलिए याद करते हैं कि जब हमारा अंतिम पल हो तो मेरे आंखों के सामने, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में कोई और नहीं, मेरे सरकार होने चाहिए, मेरे गुरुदेव भगवान होने चाहिए। क्योंकि जो अपने प्रीतम की याद करते करते मरते हैं, वो अपने प्रीतम के पास ही जाते हैं। इसलिए मेरे अपने गुरु महाराज जी से हम यही तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब हमारा अंत समय हो तो आप हमारे सामने खड़े हों। इतना तो करना सदगुरु, जब प्राण तन से निकले, बस आपका नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, बस इतनी कृपा करना अपने बच्चों पर कि जब हमारा अंत समय आए तो अपने प्रीतम, अपने गुरु महाराज जी की याद करते करते मरें, ताकि मरने के बाद भी हम अपने प्रीतम के पास ही जाएं।